गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आ जाओ सभी। आपकी एक विशेष मास्टर क्लास शुरू हो चुकी है। याद रखिएगा, ये क्लास सबके लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी छात्र छात्राएं हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, इसलिए ध्यान से देखना। हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में आयत यानी कि रेक्टेंगल का एकदम पोस्टमार्टम करने वाले हैं, अच्छे से एकदम तोड़ निचोड़ के देखेंगे इसमें क्या क्या होता है रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल आखिर कौन से जानवर का नाम है, क्या है रेक्टेंगल, इसमें होता क्या क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे। जैसे कि परिमाप, क्षेत्रफल यानी कि पेरीमीटर, एरिया, विकर्ण वगैरह सब कुछ देखेंगे। उसके पहले आपके लिए एक ताजी लाइन है, यदि आप गुलामी से लड़ते लड़ते मर जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां उसका बदला अवश्य लेंगी, लेकिन यदि आप वही गुलामी सहते सहते मर जाएंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बन जाएंगी। बाबा अम्बेडकर की इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आप सभी परिचित होंगे रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल की आकृति ऐसे होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, ये इसका विशेष पहचान होता है। दूसरी खास बात होती है रेक्टेंगल में, इसके चारों कोण 90-90 अंश के होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इसका ये कोण 90 का है तो ये 180 का हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं। ये तय है कि रेक्टेंगल का चारों कोण 90-90 का ही होगा और उसके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर ही होंगी, तो इसे रेक्टेंगल बोलते हैं। यही वो जानवर है जिसको मैंने कहा था कि देखेंगे कौन सा जानवर है ना। उसके बाद इसमें आता है परिमाप। परिमाप क्या होता है, सबसे पहले तो हम आपको बता दें एक सिंपल डेफिनेशन में, उसके बाद फिर हम आपको रेक्टेंगल के बारे में विशेष कर बताएंगे। देखिए साथियों, परिमाप जो है इसको इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं, और इसकी परिभाषा बता दें जो आपके सभी चित्रों के लिए काम आएगी, सभी फिगर के लिए। किसी भी आकृति के चारों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, DL BTC की प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये जो क्लास चल रही। लेकिन अगर आप 10th में हैं, 12th में हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, UPTET या DL या CTET कोई भी परीक्षा देना है, SSC, CGL, RRB, UPSI, बिहार कांस्टेबल या झारखंड टेट से लेकर के हरियाणा टेट की परीक्षा भी देना है, तब भी आपके लिए वही रूल रहेगा, कुछ अलग नहीं होगा। जैसे वो कहानी सुना है ना, पकौड़ी बनाना है तब भी आलू की ही बनेगी और गोभी आलू सब्जी बनाओगे तब भी आलू लगेगी, मतलब काम अलग अलग होगा लेकिन आलू दोनों जगह प्रयोग होगी, है ना, समझ रहे हो। तो वैसे आपका अगर 10th की परीक्षा है या आपका टेट का है, सीटेट का है, तब भी रेक्टेंगल का रूल वही रहेगा, रेक्टेंगल वही रहेगा, बदलेगा नहीं, इसलिए कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। परिमाप का हमने बता दिया डेफिनीशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, पेरीमीटर बोलते हैं। किसी भी आकृति के चारों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं। ये ऐसे मुँह से बकने से समझ में ना आ रहा होगा, तो देखो जैसे अगर ये 3 है और ये है 5, तो सिंपल सी बात है, आप सभी जल्दी से कमेंट करके ये बता दो कि अगर इस तरह से कहीं स्थिति आती है तो AD की माप क्या होगी, जल्दी से बताओ, देखते हैं AD भुजा कितना होगी। जो थोड़ा सा बुद्धिमान है वो बता दे होंगे कि 3 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मैं पूछूं कि DC कितना होगी तो क्या होगी, DC या CD, आप समझ गए होंगे, इसी के बराबर होगी यानी कि 5 होगी। हमने कहा परिमाप चारों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं। अगर हम इस चतुर्भुज ABCD का परिमाप निकालें तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो कम्प्लीटली क्या बनेगा, AB धन BC धन CD और धन AD, ये सूत्र बनेगा। क्यों, हमने इसको जोड़ लिया, AB BC CD और AD चारों को जोड़ लीजिए, ये हो गया परिमाप। AB का माप 5 है, BC का मान 3 है, CD का मान 5 है और इसका मान 3 है। इस तरह से हम इसको जोड़ लेंगे तो 5 3 8 8 16 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में ही रहा होगा, जो भी ये रहेगा वही आएगा, अगर ये मीटर में होगा तो ये मीटर में आएगा। साथियों यहाँ से एक बात आपको समझ में आ रही होगी, वो क्या है कि इसमें लंबाई 2 बार शामिल है, चौड़ाई 2 बार शामिल है ना। आपने ये भी देखा कि हमने 5 को 2 बार जोड़ा है, 3 को 2 बार जोड़ा है, तो आप जानते हैं कि मॉडर्न ज़माने में लोग कम समय में ज़्यादा काम चाहते हैं, है ना, टाइम थोड़ा लगे और उत्पादन ज़्यादा हो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक छोटी सी
शॉर्टकट इसमें कर सकते हैं, वो क्या है? वो ये है कि इसका हम एक सूत्र बना सकते हैं, और वो सूत्र में क्या बनेगा ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ आयत के लिए होगा। इसमें दो बार लंबाई शामिल है, दो बार चौड़ाई शामिल है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? देखिए अब हम आपको फार्मूला बनाना बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये तो इतना हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया, ये इतना सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फार्मूला बनाना कैसे सिखा रहे हैं इसको देखिएगा। देखिए इसमें दो बार लंबाई शामिल है, दो बार चौड़ाई शामिल है, चाहे तो आप लिख लो लंबाई, ये मतलब ए बी, धन ये चौड़ाई है ना, और धन फिर से ये लंबाई, कौन सी लंबाई मिस्टर, ये लंबाई ये सी डी, और फिर से ये चौड़ाई, मतलब सब जोड़ेंगे चारों तरफ से ना, तो क्या होगा, ये हो जाएगा चौड़ाई। लेकिन ये थोड़ा कम अच्छा लग रहा है इस तरह से, इसको थोड़ा सा सुंदर लगना चाहिए। ध्यान देना, ये लंबाई और ये धन चौड़ाई, अब देखिए ये सुंदर लगने लगा ना। लेकिन इसमें लंबाई दो बार है, चौड़ाई दो बार है, तो आप एक काम कर सकते हो, वो क्या कर सकते हो साथियों, इसमें और इसमें अगर हम देखें तो एक चीज़ कॉमन ले सकते हैं। कॉमन तो कुछ नहीं होगा अभी फ़िलहाल, एक काम कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। दो बार लंबाई है, दो बार चौड़ाई है, तो इसे हम लिख सकते हैं दो गुड़ा लंबाई और धन दो गुड़ा चौड़ाई। देखिए यहाँ कुछ शॉर्टकट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, जो इतना बड़ा लिखा जाता था दो गुड़े हो गया, इसका मतलब हो गया दुई लंबाई और दुई चौड़ाई है ना, सिंपल सी बात है, दुई लंबाई है और दुई चौड़ाई भी है। अगर हम लंबाई को यल मान लें, यल मतलब लेंथ, और चौड़ाई को बी मान लें, बी मतलब ब्रॉड, ऐसे कुछ होता है ना, है ना, तो यहाँ से अगर हम दो कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एल प्लस बी। इस तरह से ये आपका परिमाप का सूत्र बन गया, टू इंटू एल प्लस बी। इसमें हमने कोई नियम कानून नहीं लगाया, बस बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको सिखाया। तो आयत का परिमाप जिंदगी में कभी ना भूलोगे अगर आप ये बात समझ गए हो तो। बाकी वैसे रटी रटाई विद्या किताब वाली पढ़ोगे तो फिर इधर से पढ़ोगे तो उधर फिर निकल जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप इसका सूत्र बना सकते हैं, बात समझ में आई। अब कोई भी आकृति आपको दी गई है, कोई भी आयत आपको दिया गया है, आप उसका निकाल सकते हैं क्या, आयत का कम्प्लीटली आप परिमाप निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम आपको एक सवाल यहाँ पर दे दें तो आप उसका आंसर सबसे पहले बताएंगे, और जो सबसे पहले बताएगा उसको आपको पता है ना कि इनाम भी मिलता है, और वो कैसे मिलता है वो तरीका हम बाद में बताएंगे, पहले आप आंसर बताइएगा फटाफट, तब फिर हम बताएंगे। देखिए आज का ये जो सवाल है आपके लिए वो क्या है, ध्यान से देखिएगा, दिल थाम के देखिएगा, बहुत आसान सा होगा। इसमें से हम आपसे तीन चार सवाल पूछेंगे, आप सभी सवालों का जवाब दीजिएगा, उसके बाद व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा, ठीक ना। चलिए अगर इस दी गई आकृति का ये जो ए बी है, इस साइड की लेंथ हमने ले लिया है 3 सेंटीमीटर और इसकी हमने ले लिया है 2 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले सवाल का जवाब दीजिए आप सभी, बहुत आसान सा है, सिंपल सा, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सी डी। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए डी, और थर्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत ही महंगा है, बहुत हार्ड है, वो क्या है, व्हाट इज द पेरिमीटर ऑफ दिस, क्वाड्रेटरल होता है ना, चतुर्भुज है ना, बताइए, बता ले जाएंगे ना। देखिए हम इसका आंसर भी आपको बता देंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, आप कोशिश करके देखो एक बार। तो ये आयत का आपने परिमाप सीख लिया है ना, परिमाप देख लिया ना। इस तरह से सुबह हम आपको हर दिन एक वीडियो देंगे साथियों, 20 तारीख तक, 20 दिसंबर के बाद हम आपको लॉन्ग क्लास देना शुरू कर देंगे, एक एक घंटे, आधे आधे घंटे और दो दो घंटे वाली। तो आप सभी 20 दिसंबर तक सुबह 5 बजे से एक वीडियो इस तरह से पा सकते हैं, जिसमें छोटी सी पढ़ाई होगी, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप हर दिन ज़रूर देखें, और याद रखें इसमें से कुछ क्लासें PVR स्टडी ग्रुप चैनल पर भी होंगी, तो PVR स्टडी ग्रुप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। अगर आप इस क्लास को PVR स्टडी ग्रुप पर देख रहे हैं तो आप PVR स्टडी इलाहाबाद को अवश्य सब्सक्राइब करें, PVR स्टडी इलाहाबाद या PVR स्टडी प्रयागराज, दोनों का मतलब एक ही हुआ। अब हो सकता है कि प्रयागराज हो गया हो चैनल का नाम, नहीं तो PVR स्टडी इलाहाबाद, ठीक है, बात समझ गए ना। तो साथियों चलते हैं फिर,
मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर कंप्लीट क्लास हर चीज़ की हो चुकी है, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, अगर आप सारी क्लास की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में चाहते हैं तो इसके लिए आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को फ्री में डाउनलोड कर लें अभी तुरंत। टेलीग्राम को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहाँ पर PVR स्टडी सर्च करें और चैनल को फ्री में ज्वाइन करें। सारी क्लास की नोटिफिकेशन, लिंक, अपडेट सब कुछ PVR स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। इतना ही नहीं, आप इन क्लास में से जो पेड वाली क्लास होती है, जिसके लिए आप सभी पेमेंट करके पढ़ते हैं, उसका 80% फ्री में पढ़ सकते हैं। वो कहाँ पढ़ेंगे? फेसबुक पर। जो भी छात्र छात्राएँ फेसबुक का प्रयोग करते हैं, वो फेसबुक पर PVR स्टडी सर्च करें और पेज जो आएगा उसको लाइक करके फॉलो कर लेंगे। इस तरह के बहुत मनोरंजक वाले वीडियो मिलेंगे, जिसको पढ़ करके हो सकता है आप कुछ कर सकें। तो साथियों चलते हैं फिर, जय हिंद। अगली क्लास के लिए इंतज़ार करिएगा। और जाते जाते आपसे एक विनम्र निवेदन है, एक प्रार्थना है कि इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। कम से कम 3 मित्रों को व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें, और आप करेंगे भी, पूरी उम्मीद है।